तो आज हम बात करने वाले हैं 12th एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री क्वेश्चन जो पूछा गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का कि 12th एग्जाम का आज जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन हो चुका है और मैं उसके ऑब्जेक्टिव का आप सॉल्यूशन करने वाला हूं एग्जामिनेशन के बाद, ताकि आप सभी को पता चल सके कि आप जो एग्जाम में बना के आए उसमें कितना परसेंट आपका सही है, कितने क्वेश्चन आपने सही किया है, कितने मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सॉल्यूशन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों को बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस और एग्जामिनेशन पेपर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता रहूं, ताकि आपको पता चल सके कि आपका कितना सही है कितना गलत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी करें, ताकि पता चले कि कहां कौन सी कमी रह गई थी। और अगर पसंद आए तो बहुत से लाइक्स दीजिए। इस बार का हमारा टारगेट है कम से कम 10,000 लाइक्स का, तो देखते हैं कि ये लाइक्स पूरे होते हैं या नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये अपना सॉल्यूशन। तो जो आज पूछा गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का केमिस्ट्री का क्वेश्चन, मैं उसका सॉल्यूशन करने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव का। आप हमारे चैनल पर बने रहें और देखते हैं आज का ये सॉल्यूशन। ये सेट बी है, अगर आपका कोई डिफरेंट सेट है तो केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है जो नंबरिंग चेंज होगा, तो आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं कि आपका कौन से नंबर में था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया गया है सारे बच्चों का। तो ये जो है ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा गैस रहता है, तो ओलियम को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, तो इसमें H SO3 होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन NH3 में N का संक्रमण, तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है, इसमें N का जो संक्रमण है वो है SpQ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कौन सा यौगिक है, तो ये यौगिक है फिनॉल। कुछ लोग बेंजाइल अल्कोहल बोल रहे थे, लेकिन बेंजाइल अल्कोहल का होता है बेंजीन में CH3OH एड जब रहता है तब इसको बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं, तो इसका सही आंसर है फिनॉल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ज्वर को कम करने के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है, तो सिंपल सी बात है कि ज्वर को कम करने के लिए ज्वर नाशी का ही इस्तेमाल किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा गैस जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये दोनों जो है O2 और H2S ये दोनों सॉल्यूबल हैं, लेकिन SO2 और N2 के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरा ज़्यादा प्रीफर किया हुआ ऑप्शन है N2, और लेकिन बहुत सारे बच्चों ने SO2 भी किया है, तो अब अगर आपको सही ऑप्शन पता है या अगर आप हैं तो फिर आइए कमेंट बॉक्स में और इसको बताइए, फिर इसको सही किया जाएगा। लेकिन आगे के सारे ऑप्शन सही है, केवल यही पूरा सेट में एक ऑप्शन था, इसमें ये ये और ये तीनों सॉल्यूबल है, लेकिन N2 भी दिखा रहा है कि N2 को भी आप कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी ऑप्शन हो तो आप देख लेंगे। चलिए आगे आइए। CH4 में सिग्मा बॉन्ड्स का संख्या कितना है, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या होती है 4, 6 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 8 हैं, इधर मैंने लिख दिया है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, तो 8 हैं, आप गिन सकते हैं इधर। नेक्स्ट है उस विधि का नाम, उस विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में, इसको बोला जाता है वर्जन, और हवा अगर कम हो तो बोला जाता है निस्तापन, लेकिन हवा की अधिकता कह रहा है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उजला और पीला फास्फोरस एक दूसरे का एलोट्रॉप से अप्रूप, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, ब्यूना एन और ब्यूना एस एक संश्लेषित रबर है, इसको नाइट्राइल रबर बोला जाता है, ब्यूना एन को संश्लेषित रबर, ऑप्शन नंबर बी। डेटॉल का उपयोग एक संक्रमण हारी, यानी कहने का मतलब है डिसइंफेक्ट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है जो अधातु है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा, तो देखिए एल्केन को जो है जो हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप द्वारा हटाया जाएगा, CH3OH, ऑप्शन नंबर ए 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, CH3COOH का UPAC नेम, बहुत सारे इसको मिथेनोइक एसिड करके आ गए हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि इसमें दो कार्बन है, 1, 2, तो इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज का सूत्र क्या है, तो सुक्रोज का सूत्र वही जो चीनी का होता है, C12H2O11, C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल प्रमाणविक है, तो क्लोरीन आप देख लिए, इसका Cl2 होता है, नाइट्रोजन का N3 होता है, ऑक्सीजन का O2, केवल हीलियम ही है जो एकल प्रमाणविक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम, बाकी सब में दो प्रमाणविक, त्रिप्रमाणविक, द्विप्रमाणविक, तो ये हीलियम है जो HE होता है एकल प्रमाणविक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है K3FeCN6 किस तरह का अम्ल है, तो ये एक द्विक किस तरह का लवण है, तो ये एक द्विक लवण है क्योंकि इसमें दो प्रकार के साधारण लवण मिक्स हैं, तो द्विक लवण, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है संक्रमण तत्वों को और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। अमोनिया जो कि एक बेसिक सॉल्यूशन है, एक बेसिक नेचर का है, तो ये लाल लिटमस पत्र को ब्लू कर देता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल किस विधि से तैयार किया जाता है, तो वो ओस्टवाल्ड विधि से तैयार किया जाता है, 20 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन PCl5 एक क्या है, तो PCl5 अपना नंबर चेंज कर सकता है +5 से +3 तक, तो ये केवल एक ऑक्सीकारक है ना कि अवकारक, ऑप्शन नंबर ए, 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर है +2, इधर निकाला भी गया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन, तो ये जो आप देख रहे हैं उसमें सिडेराइट और मैग्नेटाइट हेमेटाइट सभी जो है जो लोहे का अयस्क है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 एक किस तरह का अम्ल है, तो एक द्विभाष्मिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में अत्यधिक अम्ल को रोका जाता है प्रति अम्ल से, इसको इंग्लिश में एंटासिड बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो पॉलीथीन बहुलक है इथीन का। अगला क्वेश्चन हीलियम का सूत्र क्या है, तो हीलियम का सूत्र है HE, बहुत ही इजी क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट जो कि संश्लेषित होकर 3 से लेकर, तो मैं बता देना चाहता हूँ ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स को ये प्रदान कर सकता है, तो यहाँ पे 3 से 10 पूछा है, तो ये आसानी से प्रोवाइड करवा देगा, तो ओलिगोसैकेराइड्स होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल जो कि एक न्यूट्रल होता है, जो कि ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, ये लवणीय होता है, न्यूट्रल, तो ऑप्शन नंबर D7। CH3 CH2 NH2 को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है इथाइल एमीन। इथाइल में देखिए यहाँ पे 2 कार्बन वाले में NH2 जुट गया है, तो इथाइल एमीन इसका नाम है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है एक फैराडे विद्युत कितने कूलॉम के आवेश के बराबर होता है, तो ओरिजिनल इसका जो मान है वो होता है 96485.34, जिसके पूरा समीप है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर धातु को वैद्युत अपघटनी शोधन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से शुद्ध किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल को HNO3 बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है अल्कोहल का क्रियात्मक मूलक है सिंगल बाउंड OH, इसको हाइड्रोक्सिल भी बोला जाता है, तो इससे संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।